नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के सामने और ये है नेक्सॉन ईवी एम्पावर्ड मीडियम रेंज। फ्रंट से गाड़ी का लुक बहुत ही अच्छा है और ये ईवी मॉडल है तो इसमें इंजन की बात ही नहीं, मोटर लगी रहती है आपको पता है। तो यहाँ पे हम 30 किलोवाट इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक पावर जो है इसमें रहता है 30 किलोवाट का। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुपर है। ये देखिए आप साइड से गाड़ी का लुक जो है, और नेक्सॉन का फेसलिफ्ट है तो फेसलिफ्ट में भाई अब चाहे ईवी की बात करें या फिर डीजल पेट्रोल की, लगभग लुक ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं है ना, लॉक अनलॉक करने में जो ये DRL से बहुत ही प्यारी लगती है। ऊपर की तरफ DRL लगी हुई हैं और नीचे की तरफ लाइट्स हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस किया गया है, आप ढूंढते रह जाएंगे कि भाई लाइट्स कहाँ लगी हैं इसके हेडलाइट। यहाँ पे पूरी जो ये लाइट है, टेल लाइट्स कनेक्टेड लाइट दी गई हैं। ये देखिए लो बीम और हाई बीम, यहाँ पे प्रोजेक्टर आपको जो है हाइलोजन लैम्प हेड लैम्प मिलते हैं, प्रोजेक्टर लैम्प ठीक है LED वाले, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको फ्रंट में पावर सेंसर मिल जाता है, सामने आपको यहाँ बहुत ही अच्छी एक पियानो फिनिश ग्रिल मिल जाती है, फ्रंट में आपको कैमरा दिया गया है और इसमें 360 कैमरा है, तो चारों साइड आपको कैमरे मिलते हैं। अभी आपको दिखाएंगे आगे, बाकी यहाँ पे टाटा का लोगो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्रोम फिनिश मिल जाती है। की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी को लुक, जो कि इस तरह है गाड़ी की है ना, वही सेम की जो कि डीजल वाली गाड़ी में आती है। और इसमें सारे ऑप्शन जो हैं आप देख पा रहे हैं, बूट ओपन का, हेडलैम्प फॉलो में हेडलैम्प, लॉक अनलॉक के ऑप्शन, तो कुछ इस तरह से दिखती है की। ओके, तो अभी हम गाड़ी के आगे चलेंगे और देखेंगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो अलॉय व्हील्स, ये देखिए ये बहुत ही प्यारी लगती है लाइट है ना, फ्रंट में जो भी लाइट जलती है ना वो भी हम जला के आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप देखिए एकदम कितनी बढ़िया कनेक्टेड लाइट्स लगी हुई हैं DRL। ये देखिए ये वेलकम फीचर है, सुपर लगता है कि भाई यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, एकदम ऐसा लग रहा है कि दिवाली के पटाखे चल रहे हैं, मज़ा आ गया। तो काफ़ी अच्छा लुक बनाया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अलॉय व्हील्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अलॉय व्हील थोड़ा सा कूल नहीं लग रहा है मुझे, जैसे कि पिछले गाड़ियों में देते थे तो ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, बाकी ये अलॉय व्हील ही है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं टायर के साइज़ की बात करें तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स और टायर हैं यहाँ पे है ना। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक जो है दिया जाता है, एंटी ब्रेक सिस्टम, यहाँ पे ईवी का एक बैजिंग मिल जाती है। और ये बहुत ही प्यारा है, पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में, हैरियर का जो गांच यहाँ पे लगा दिया गया है ग्लास, देख सकते हैं LED DRL मिल जाते हैं यहाँ पे है ना, ऑटोमेटिक फोल्डेबल, और ये देखिए एक ब्लैक पियानो फिनिश यहाँ भी मिलता है। लाइट जो है बहुत ही प्यारी लगती है, पूरा पियानो फिनिश है ना, काफ़ी अच्छा ग्लॉसी फिनिश में मिल जाता है। बाकी पीछे के टायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक जो है मिलते हैं और वही अलॉय व्हील्स यहाँ भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और ये फेसलिफ्ट है, हमने पहले भी बताया कि अभी आप ये बैटरी वाली गाड़ी देख लो, चार्जिंग वाली ईवी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यार 50 लाख कार की बैजिंग मिलती है भाई, जो पिछले नेक्सॉन में थी। लुक जो है पीछे का ऑलमोस्ट पिछली गाड़ी जैसी है पीछे की तरफ, लेकिन काफ़ी बदलाव किए गए हैं आप देख सकते हैं एक बार है ना, लाइट्स में भी काफ़ी बदलाव जो है हुए हैं, पूरी कनेक्टेड लाइट यहाँ से पीछे की तरफ जो है जलती हैं है ना। और ये टर्न इंडिकेटर यहाँ पे जैसे कि अब हमने दिखाया है इस तरह से कुछ जलता है, और ये देखिए कनेक्टेड लाइट वेलकम फीचर। तो कैसा लग रहा है आपको ये बताइए, और इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखा पा रहे हैं, पीछे जगह नहीं है तो पीछे ज़्यादा नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा है और एक यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग लाइट भी लगी है, और नेक्सॉन ईवी का बैजिंग मिल जाता है, पीछे की तरफ कैमरा मिल जाता है, टाटा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाते हैं। बाकी कह रहे होंगे भाई वाइपर कहाँ है इसका, वाइपर तो इसमें वाइपर नहीं है। ये देखिए वाइपर ऊपर की तरफ छुपा के रखा है इन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी कई लोग सोचेंगे वाइपर नहीं तो टॉप मॉडल नहीं, पर वाइपर ऊपर छुपा दिया गया है। ओके, जैसे रेंज रोवर में भी भाई वाइपर ऊपर ही छुपा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा की जो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और चार्जिंग का ऑप्शन। और इसके बाद गाड़ी को साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरह से लुक जो है टाटा नेक्सॉन ईवी का आता है। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको इसका लुक, और इसके इंटीरियर में भी चलेंगे, अभी इंटीरियर को भी देखेंगे, पर ऑलमोस्ट एक बार आप साइड से देख लीजिए गाड़ी का लुक। ये है टाटा नेक्सॉन का ईवी मॉडल, और इसमें सनरूफ भी मिलता है, फियरलेस प्लस एस मॉडल है, काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए जैसे ही लॉक को हम ओपन करते हैं, ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओपनिंग सेंसर भी मिल जाता है। तो इसको हम ओपन करते हैं,
इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डोर की बात करें तो कुछ इस तरह से लुक जो है डोर का आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई काफ़ी अच्छे फीचर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा बहुत बढ़िया एक प्रीमियम ग्लॉसी दिया गया है। चारों पावर विंडो हैं, एक ऑटोमेटिक डाउन बटन मिल जाता है ड्राइवर साइड का, और यहाँ पर चाइल्ड लॉक का बटन मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी क्रोमिंग लगी है यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक फॉल्ट यहाँ से कर सकते हैं आप, जो कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है डोर में, और JBL के साउंड लगे हुए हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छा एक अपडेट है JBL, जो कि स्पीकर्स के लिए जाना जाता है। काफ़ी सुपर हिट क्वालिटी निकलती है JBL की। तो यहाँ पे देख सकते हैं JBL की बैजिंग मिल जाती है, बाकी यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है और एक ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। और इसमें बहुत ही अच्छे स्पीकर्स लगे हुए हैं भाई, चार स्पीकर गेट में, एक पीछे की तरफ बूफर भी लगा है, वो भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं AC के वेंट्स कुछ इस तरह से हैं, डिज़ाइन आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है कपड़ा लगा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सीट्स की बात करें तो आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, फ्रंट साइड ओनली, पीछे नहीं मिलती, फ्रंट साइड ओनली। तो ये देखिए वेंटिलेटेड सीट है, एयर निकलती है। बाकी आप सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक अप एंड डाउन, जैसे कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ अप एंड डाउन आप यहाँ से सीट्स को कर सकते हैं। ओके, और यहीं पे एक बटन लगा हुआ है जिसमें आप अपनी सीट्स को वेंटिलेट कर सकते हैं, और पीछे से हवा निकलती है सीट से भाई, वो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये देखिए यहाँ पे स्टेयरिंग कुछ इस तरह से आती है। तो चलिए अब थोड़ा हम बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सारा सिस्टम बंद है, अब चाबी को यहाँ पर रख देते हैं हम और इंजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमारा ऑन हो गया। इस तरह से लुक वेलकम फीचर जो है आता है, क्या सुपर हिट बनाया यार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियम। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे फुल्ली एक स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पे कोई डिजिटल वगैरह नहीं है, कोई यहाँ पे एनालॉग वाला नहीं है, पूरा स्क्रीन लगी है और उसी में सारे फंक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू चलते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अपडेट है। स्क्रीन में आपको सारे कंट्रोल्स दिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि जो आपको डिजिटल मीटर में दिखाए जाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जो स्टेयरिंग में है, ये आपको ऐसा लग रहा है एक स्क्रीन लगी है। यहाँ पर आपको म्यूज़िक के कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं, वॉइस कमांड का ऑप्शन है, और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं जो कि ये देख सकते हैं इस तरह से हैं। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट में लुक जो है टाटा का एक लुक मैं अभी ग्लो करके दिखाता हूँ, एक बार मैं फिर से ऑफ़ करता हूँ इसे और फिर से चालू करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप सही समझ पाएँ। तो जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट बटन मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये फंक्शन हमें दिख गए यहाँ पर, और टाटा का लोगो ग्लो कर रहा है, फ्रंट में जो स्क्रीन है वो ग्लो कर रही है कुछ इस तरह से। तो बहुत ही अच्छी OLED स्क्रीन लगी हुई है और सारे यहाँ पे फीचर्स दिखाते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम गाड़ी ड्राइव करेगा इस तरह की तो उसे पहले सीखना पड़ेगा इन फीचर्स को। आप स्टेयरिंग को हाइट एडजस्टेबल कर सकते हैं, है ना, टिल्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ ऊपर और नीचे। तो इसमें टेलीस्कोपिक भी देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इतने सारे फीचर हैं तो अच्छी बात है। बाकी ऊपर की तरफ भी एक ट्विटर लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एयरबैग का ऑप्शन है, यहाँ भी एयरबैग लगे हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एक IRVM मिल जाता है और लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है एक। देखिए यहाँ पे आपको एक एयरबैग बंद करना है तो वो भी आप कर सकते हैं ऑप्शन से, एक एयरबैग आपके ना चले, यानी कि आप सिंगल हैं तो एक एयरबैग बंद कर दीजिए ताकि कभी एक्सीडेंट हो तो वो एयरबैग सेफ रहे। सनरूफ यहाँ पर ओपन करते हैं, जैसे देख सकते हैं आप कुछ वही पुरानी गाड़ी वाला सनरूफ इसमें लगाया गया है। तो ये देखिए सनरूफ का ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट गाड़ी का लुक जो है बहुत ही शानदार है। डैशबोर्ड ये देखिए यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है एक, पर हार्ड प्लास्टिक है, ये आपको लेदर नहीं लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लेदर है पर हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर लगा हुआ है। और ग्लव बॉक्स की ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक अंदर लाइट लगी हुई है और एक लैपटॉप रखने का यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए ट्रेली लगी है, तो काफ़ी सोच के बनाया है टाटा ने सारी चीज़ों को। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये देखिए वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो भाई काफ़ी शानदार हवा पीछे की तरफ निकल रही है, पूरी सीट में पीछे की तरफ अच्छी हवा जो है मुझे दे रही सीट, मैंने वेंटिलेटेड सीट को ऑन किया है। तो ये देखिए ये पूरा एकदम एयर यहाँ से क्रॉस होने लगी है, बाहर निकल रही हवा, तो इस कारण से तो पसीना नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छा वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन इसमें दिया गया है। और यहाँ पे इधर आप लो कर सकते हैं, तीन सीट में ही दिया गया है बटन। देन यहाँ पे
स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जो कि हमने अपने टाटा नेक्सॉन में लगवाई थी पुरानी वाली, वैसी स्क्रीन इसमें लगा दी गई है लगभग। और यहाँ पे सारी चीज कंट्रोल्स है ना, बटन एक भी नहीं है, बस दो बटन है, एसी के बटन और हीटर के बटन। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो ड्राइविंग के ऑप्शन है ना, ड्राइविंग, पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स, यहीं से आप जो इस बटन से ही कर सकते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में, ऑटोमेटिक में भी ऐसे ही कुछ आता है तो ऐसा लगता है भाई बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग, ऑटो होल्ड को, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको तीन कंट्रोल, सिटी, इको और स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है इसमें। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है भाई। फेसलिफ्ट हम आपको दिखा रहे हैं तो भाई एक मिनी रेंज रोवर कहना चाहिए। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आपको सी टाइप और यूएसबी टाइप चार्जर और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। JBL के साउंड के ऑप्शन यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप स्टेयरिंग में ऑप्शंस यहाँ पे लगे हुए हैं स्पीड को अप डाउन करने के। और सीट जो है वेंटिलेटेड बहुत ही अच्छी लगी है अगर मैं इसमें बैठ के भी चेक किया हूँ तो एक बार पीछे की तरफ भी आपको हम चल के दिखा देते हैं। बाकी भाई यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के गेट को जैसे ही ओपन करते हैं तो बढ़िया से एक ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है डोर में, एक पावर विंडो का बटन और सेम पुरानी नेक्सॉन वाले फीचर जो कि इसमें है, चाइल्ड लॉक का बटन मिल जाता है, एक डोल क्रोम मिल जाता है, ट्विटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पीकर्स वही JBL वाले, यहाँ पर भी एक स्पीकर बनाया गया है JBL का लगा हुआ है। और पीछे की तरफ जो सीट है ऐसा लगता है वेंटिलेटेड है लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर लेदर की सीट्स आपको मिल जाती हैं। और बाकी देख सकते हैं बीच में एक और बढ़िया से ऑप्शन दिया है जो सबको पसंद आता है जो कि ग्लास होल्डर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये सीट्स आपको लेदर में चारों तरफ सीट्स मिल जाती हैं। पीछे की तरफ यूएसबी सी टाइप चार्जर मिल जाता है एक 45 वॉट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी के वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से देख सकते हैं बैक से गाड़ी का लुक अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से जो है पीछे से गाड़ी का लुक आता है, काफ़ी शानदार लुक जो है बनाया गया है टाटा नेक्सॉन का, नया फेसलिफ्ट 2023 आप देख पा रहे हैं। और सीट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एयरबैग मिलते हैं, तो 6 एयरबैग आपको गाड़ी में मिलते हैं जो कि 6 एयरबैग कंपलसरी हैं हर गाड़ियों में, तो यहाँ पे भी एक एयरबैग जो है दिया गया है। और पीछे काफ़ी स्पेसिंग है। बाकी दोस्तों बहुत ही अच्छा सुपर है, आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक मिल जाता है, एक्सेलेटर आपको मिल जाता है, बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा एक बहुत ही अच्छा ग्लॉसी फिनिश में टच स्क्रीन दिया गया है। टेलगेट इज ओपन, प्लीज चेक। तो दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं पीछे की तरफ और ये देखिए जैसे पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ से बूट को हम ओपन करते हैं तो ये देखिए पार्सल ट्रे मिल जाती है और 350 लीटर के बूट स्पेस भी पीछे की तरफ मिल जाता है, स्टेप मिल जाती है। पीछे एक और स्पीकर लगा हुआ है बेस वाला, ये देख सकते हैं JBL का। बाकी यहाँ पे आपको जो है किट नहीं मिलती और एक हाइलोजन मिल जाता है पीछे की तरफ और एक चार्जर 12 वोल्ट का सॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट पीछे का तरफ भी हमने आपको दिखा दिया। अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ बना रहा करिए, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।